पटना डाक बंगला चौराहा दुर्गा पूजा 2024 पंडाल बनकर के हो गया है तैयार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो गैज लेकर के आ गया हूँ डाक बंगला चौराहा, पटना का डाक बंगला चौराहा, जहाँ पे कि बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और पंडाल लगभग बन करके हो गया है तैयार। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं पंडाल कितना बन करके हो गया है तैयार। डाक बंगला दुर्गा पूजा समिति, इस बार गैज आपको तिरुपति मंदिर के थीम पर यहाँ पे पंडाल देखने को मिलेगा और पंडाल का जो काम किया गया है इस बार लगभग फाइबर का काम किया गया है। गैज पंडाल की ऊंचाई लगभग 85 फीट और चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 55 फीट की पंडाल बन करके हो गया है तैयार। गैज पंडाल निर्माण की अगर बात करें तो बंगाल के मेदिनीपुर से आकर के कारीगरों द्वारा यहां पे पंडाल का निर्माण किया गया है। तो चलिए गैज अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का क्या व्यू है पंडाल के अंदर का, जहां पे की प्रतिमा बिठाया जाएगा माता का। तो गैज आ चुके हैं पंडाल के अंदर और ये देख सकते हैं गुम्बज का काम जो किया गया है पंडाल का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गैज गुम्बज का काम किया गया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं इस वक्त जो है यहाँ पे कलश स्थापना का भी आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। ये पहली पूजा का मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ इस वक्त और ये देखिए कलश स्थापना इस वक्त किया जा रहा है। गैज कलश स्थापना की अगर बात करें तो 5 अलग अलग पंडित जी के द्वारा यहाँ पे कलश स्थापना किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पूजा कराया जाता है, जो कि पहली पूजा का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये 5 तरह के पंडित जी यहाँ पे जो है कलश स्थापना करवाते हैं। गैज माता की प्रतिमा का अगर बात करें तो माता का प्रतिमा जो है इसी स्थान पे यहाँ पे बिठाया जाएगा। आप ये देख रहे हैं इस वक्त जो है कलश स्थापना किया जा रहा है और जस्ट ठीक इसके सामने जो है माता का प्रतिमा यहाँ पे बिठाया जाएगा और आपको लगभग 7-8 पूजा से यहाँ पे भीड़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि डाक बंगला का कहता है कि पटना का वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे जो है डेकोरेशन किया जाता है और साथ ही साथ लाइटिंग की बहुत ही अच्छी कारीगरी यहाँ पे की जाती है। गैज लोकेशन की अगर बात करें तो डाक बंगला चौराहा पे हरी निवास बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट साइड में ये पंडाल बन रहा है। और ये देखिए सामने की अगर बात करें तो ये आप जो है अगर आप इनकम टैक्स गोलम्बर की तरफ से आते हैं तो आपको जस्ट जो है लेफ्ट साइड में, और ये अगर आप इधर से आते हैं डाक बंगला चौराहा की तरफ से तो राइट साइड में ये आपको पंडाल दिख जाएगा। सो गैज ये डाक बंगला चौराहा का दुर्गा पूजा पंडाल का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गैज वीडियो से हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके जरूर बताएं और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गैज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियोज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।